फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको तीन ऐसी चीजें बताने जा रही हूं जिनके फायदों की बात करें तो 10 में आपको ऐसे फायदे बता देती हूं कि आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिनके पास समय कम है उनके लिए बता दूं कि ये तीन चीजें कौन सी हैं। दोस्तों, पहली चीज है अंजीर, दूसरी चीज है काले चने और तीसरी चीज है किशमिश। इन चीजों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इनके फायदे हमारी बॉडी को किस तरीके से मिलते हैं, इनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हाई प्रोटीन, हाई फाइबर से भरपूर और आयरन से भरपूर रेमेडी के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने शरीर की कई समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन खराब है, कब्ज की समस्या है, शरीर में खून की कमी है, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटीज या हार्ट पेशेंट है, शरीर में अंदरूनी कमजोरी है, वीर्य की कमी हो चुकी है, स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये रेमेडी अजमाई हुई है, कमजोर से कमजोर इंसान इसे खाकर बलवान बन जाएगा। आइए जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है, कितना तैयार करना है, कब कितना लेना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज जो लेनी है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो है अंजीर। आपको सूखे अंजीर लेने हैं। अंजीर के गुणों की बात की जाए तो अंजीर में भरपूर कैल्शियम होता है, ऐसे में ये हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में फायदेमंद है। इसके सेवन से दोस्तों यौन दुर्बलता की समस्या दूर होती है। अंजीर में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अंजीर में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और सोडियम कम मात्रा में पाया जाता है। इससे ये ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, यूरिन से संबंधित समस्याओं को ये खत्म करता है, साथ ही ये दिमाग को ठंडक भी पहुंचाता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो हमने इस्तेमाल करनी है वो है काला चना। काले चने शरीर को हेल्दी रखने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन मिल जाता है जो आपके शरीर के लिए जरूरी भी है। काले चने ताकत का खजाना होते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, आयरन, फोलिक एसिड और ढेर सारे फाइबर होते हैं जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं, वजन कम करने में मदद करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। अगर आप काले चने खाते हैं तो इसका फाइबर एसिडिटी को बनने से रोकता है। इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो जाता है। डाइट्री फाइबर की मात्रा बाकी सभी चीजों के मुकाबले इस चने के अंदर ज्यादा होती है, जिससे कब्ज का इलाज हो जाता है, आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। इसके अलावा ये शुगर लेवल को कम करती है। इसकी वजह से इंसुलिन और टाइप 2 डायबिटीज का खतरे में भी मदद मिलती है। इसमें आयरन होने की वजह से ये खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन को शरीर में बढ़ाने में मदद करता है। काले चने में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होने की वजह से आपके शरीर में भरपूर ताकत आ जाती है। अब इसके अंदर जो अगली चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है किशमिश। दोस्तों, किशमिश शरीर में खून की कमी को तो दूर करती ही है, साथ ही साथ ये हार्ट को हेल्दी रखती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। किशमिश को कार्बोहाइड्रेट का एक नेचुरल सोर्स माना गया है। ये एक्सरसाइज के दौरान ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखती है, इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डाइजेशन को बेहतर करते हैं। किशमिश का सेवन करने से कब्ज से राहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति रोजाना इसका सेवन करता है उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती, यानी कि एजिंग इफेक्ट्स जो है शरीर के ऊपर कम दिखाई पड़ते हैं और लेट दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, आपको इन तीनों चीजों को डाइट में जरूर शामिल करना है। कैसे करना है आइए जान लेते हैं। आपको क्या करना है, 15 से 20 दाने किशमिश लेने हैं, 2 अंजीर लेते हैं, साथ में आपने आधी मुट्ठी आपने काले चने लेने हैं। इन तीनों चीजों को रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए। सुबह जब आप देखेंगे तो ये तीनों चीजें फूल चुकी होंगी। सुबह के समय फूली हुई किशमिश, चना और अंजीर को पानी से अलग कर लीजिए और इसके पानी को भी फेंकना नहीं है। ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दोस्तों, अब फ्रेश होने के बाद भिगे हुए चने, किशमिश और अंजीर है, उसको आपने आराम से अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी मात्रा को कम कर दीजिएगा। दोस्तों, इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको फर्क दिख जाएगा। शरीर के अंदर अंदरूनी कमजोरी दूर हो जाएगी, ताकत आ जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जो ऐसे ही चलने पर, टकराने पर हड्डियां दर्द होने लगती थी वो नहीं होंगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इसे खाने के कम 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, ना ही आपने चाय पीनी है। दोस्तों, ये खून को साफ करेगा। आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखाई देंगे। आपने इसका सेवन लगातार 30 दिन तक तो जरूर करना है। इसके बाद आप करना चाहें तो कर सकते
सकते हैं। दोस्तों, ये बालों के झड़ने की समस्या या शरीर में कमजोरी रहना, इसको दूर करके शरीर को एक्टिव और चुस्त करेगा। दोस्तों, बुजुर्गों को और बच्चों को इसकी मात्रा थोड़ी कम देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान का लीवर खराब है तो उन लोगों ने काले चने बीच में से नहीं लेने। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।